Hello everyone and welcome to Hello Adhyapak. Today we are going to discuss half yearly exam paper of class 6th science. Now this question paper is based on your new textbooks, new curriculum, new syllabus. So I know there are not many question papers available for you all because the books have changed. So I have prepared this paper for you people. इसी के साथ एक बड़ी अपडेट और है जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स में तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं वो स्कूल के टीचर्स ही पेपर बनाते हैं तो वहाँ कोई इशू नहीं है लेकिन केवीएस स्कूल सिस्टम जो है उसमें क्वेश्चन पेपर जो है रीजनल ऑफिस से आता है आरओ से आता है। तो इस बार का जो बड़ा अपडेट अब तक मुझे मिला है वो यही है कि शायद इस बार जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर्स हैं वो आरओ से ना आकर आपके स्कूल में ही बनेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप निश्चिंत रहिए। मुझे मालूम है ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली मैथ्स जहाँ पर आपके टॉपिक्स पूरे नहीं हुए होंगे राइट। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। वैसे मैं जो क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा उसमें मैं हाफ ईयरली तक का पूरा सिलेबस लेकर चलूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसमें आएंगे। लेकिन फिर भी जो अपडेट ये है कि अगर पेपर स्कूल के टीचर्स ही बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स जितना करवाएंगे उतना ही पेपर में आई एम श्योर आएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और पहले इस साइंस के पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। 60 मार्क्स का पेपर होगा और ये 2.5 आवर्स का होगा। सबसे पहले आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। आइए इन एमसीक्यूज को करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ विनेशन डज अ बनाना लीफ हैज। बनाना लीफ का विनेशन कैसा होता है वो होता है पैरेलल। सेकेंड इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कलेक्टिवली कॉल्ड। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। थर्ड इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स। फोर्थ इज व्हाट हैपेंस टू वाटर व्हेन इट फ्रीजेज एंड बॉइल्स। जब हम पानी को गर्म करते हैं या उसको फ्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो कलर चेंज नहीं होता, डिसअपियर भी नहीं होता, सेम भी नहीं रहता। इट टर्न्स इनटू आइस एंड स्टील। फिफ्थ इज इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटेड। तो चार ऑप्शंस है 73, 85, 1992 या 2001। तो ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल और 1973 को। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या है। क्या ये मैन मेड मैग्नेट है या नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। क्या आयरन का एलॉय है। एलॉय क्या होता है। जब हम दो मेटल्स को एक साथ मिक्स कर देते हैं ना, आयरन को किसी के साथ दूसरे चीज़ के साथ निकल या क्रोमियम के साथ मिक्स करके एक नया एलॉय बना दिया तो वो उसको एलॉय कहते हैं। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय। और फोर्थ है अ मैग्नेट मेड फ्रॉम निकल एंड कोबाल्ट। तो लोड स्टोन है जो एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। ये नेचर से हमें मिलती है। सेवन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मैग्नेटिक मटीरियल। इनमें से चार है यहाँ पे, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटीरियल वो होता है जो मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेता है, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे आयरन निकल कोबाल्ट ये सब मैग्नेटिक होते हैं। प्लास्टिक जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। एट्थ इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर। दो एसआई यूनिट जो है वो है मीटर। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ मोशन आर डिस्क्राइब्ड एज पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। वो मोशन जो कुछ देर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे अगर आप कोई झूला झूल रहे हो तो आप आगे जाओगे फिर वापस मेन बीच वाली पोजिशन पे आओगे फिर पीछे जाओगे और यही चीज़ जो है रिपीट होती रहती है टाइम के साथ। तो दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिले जिसमें अलग अलग तरह के मोशन हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला मोशन जो है वो पीरियोडिक है नेचर में। तो क्या लीनियर और सर्कुलर मोशन होते हैं, सर्कुलर या ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, लीनियर या ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। लीनियर कौन सा होता है जो सीधा बस चलता जाए ऐसे। तो क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है अपने बार बार, नहीं कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, आप इसमें इस तरीके से गोल गोल घूमते रहेंगे बार 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 बार, तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऑसिलेटरी कौन सा है, जो मैंने अभी आपको झूला वाला बताया वो भी ऑसिलेटरी होता है। तो लीनियर या ऑसिलेटरी, सर्कुलर या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन इसी को कहते हैं। ठीक है। तो इनमें से जो है सिर्फ सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन ही ऐसे हैं जो पीरियोडिक होते हैं नेचर में। टेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन।
इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में घुलेगी नहीं, जो उसमें डिजोल्व नहीं होगी? इंक, मिल्क, जूस या चॉक पाउडर? तो इनमें से चॉक पाउडर जो है वो इस पानी में कभी नहीं घुलता। आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। ये 2 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, नेम टू फूड मटेरियल्स विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। दो ऐसे फूड के नाम बताने हैं हमें जिनमें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ऐसी दो सबसे कॉमन चीज़ है, एक तो चावल और एक आलू। चावल और आलू जो है उनसे हमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इतनी स्पेस आपको नहीं दिखाई देगी। ये स्पेस मैंने खुद क्रिएट की है ताकि मैं यहाँ पर आंसर्स साफ साफ लिख सकूँ और आपको आराम से दिख सके। 12th क्वेश्चन है, व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? जब हम एक मैग्नेट को धागे से बांधकर उसको फ्रीली लटका देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों दिखाई देता है हमें? उसका कारण इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है वो खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसी वजह से जो हम मैग्नेट लटकाते हैं, सस्पेंड करते हैं, वो अपने आप को इसी मैग्नेट के हिसाब से, अर्थ के मैग्नेटिज्म के हिसाब से उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक साउथ। तो इसीलिए जो आपकी मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब जो नॉर्थ पोल है अर्थ का नॉर्थ पोल जहाँ पर है वहाँ पर उसके मैग्नेट का साउथ पोल है। ये चीज़ मैंने आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अच्छे से समझाई है। अगर आपको वहाँ पर अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस चैप्टर को देखिए और वहाँ पर समझिए कि ये मैग्नेट जो है अपने आप को क्यों अरेंज कर रही है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज अ जायंट मैग्नेट विद इट्स मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेट अलाइन विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। और आपका जो मैग्नेट आपने जो लटका रखा है, सस्पेंड कर रखा है, वो इसके हिसाब से अपने इसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को अरेंज कर लेता है। 13th क्वेश्चन इज, व्हाट इज साइंस और व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट आल्सो डिफाइन अडेप्टेशन? आपको यहाँ पर और मिला है, यानी कि या तो आपको फर्स्ट वाला करना है व्हाट इज साइंस, या आपको ये वाला करना है व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट एंड आल्सो डिफाइन इट्स व्हाट इज अडेप्टेशन क्या होती है, ये आपको डिफाइन करनी है। तो साइंस का आंसर आप, व्हाट इज साइंस का आंसर आप लिख सकते हो, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो आप जो है वर्ल्ड के बारे में, नेचर के बारे में जब आप चीज़ों को समझते हो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड साइंस। हो सकता है आपके साइंस टीचर ने कुछ और डेफिनेशन लिखा रखी हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ। सेकेंड है, व्हाट डू यू मीन बाई हैबिटेट एंड डिफाइन अडेप्टेशन? हैबिटेट की अगर बात करें, हैबिटेट इज द नेचुरल एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज। हैबिटेट क्या है? वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और बढ़ता है, बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन स्पेसिफिक हैबिटेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैमल है, उसको डेजर्ट में रहना है, वहाँ पानी नहीं है, तो उसने अपना हम्प बना रखा है। मिट्टी में चलना है तो उसने अपने पैर जो है गद्देदार बना रखे हैं। कोल्ड डेजर्ट वाले जो कैमल हैं उन्होंने 2 हम्प बना रखे हैं क्योंकि 6 महीने तक उनको कोई खाना पीना नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पोलर बेयर है उसने अपने चारों तरफ जो है एक मोटी लेयर लगा रखी है, बाल बना रखे हैं मोटी लेयर फैट की। क्यों? क्योंकि उसको सर्दियों में बचना है और खाना नहीं मिलेगा तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो अपने बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं एनिमल्स या हम खुद, उसको कहते हैं अडेप्टेशन। बातें आगे, 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स? क्लाइंबर और क्रीपर दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है और वो खुद अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि कोई कोई झाड़ी होती है या ट्री होता है, उसका अपना एक ट्रंक होता है और वो खड़ा हो जाता है तन के ना। तो क्लाइंबर और क्रीपर की स्टेम जो है बहुत वीक होती है। क्लाइंबर किसी की मदद से वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रीपर जो है वो किसी की हेल्प से भी ऊपर नहीं जा सकते और वो ज़मीन पर ही आगे रेंगते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्लाइंबर की जैसे एक एग्जांपल हो सकती है क्लाइंबर की मनी प्लांट, और क्रीपर की एग्जांपल हो सकती है वाटरमेलन का प्लांट। तो वाटरमेलन के प्लांट के इतने बड़े बड़े फ्रूट हैं कि वो अगर किसी की सहायता से क्लाइंब करने की कोशिश भी करे तो वो क्लाइंब नहीं कर सकते।
तो आप लिख सकते हो, क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम्स एंड ग्रो अपवर्ड्स बाय क्लिंजिंग टू अ सपोर्ट, किसी की सपोर्ट की मदद से। क्रीपर्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड और एनी अदर सरफेस, और आप इनकी एक एग्जाम्पल दे देना जैसे मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो आप स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए ये सही है या गलत है। वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, और ओपेक वो होता है जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती। तो क्या वुड में से लाइट पास होती है? नहीं होती। क्या ग्लास पूरी तरीके से लाइट को रोक देता है? नहीं। तो दिस इज एक्चुअली फॉल्स। नेक्स्ट वाला है, एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एक एप्पल जो है वो स्पेस भी घेरता है, उसके अपनी एक स्पेस है और उसका एक मास भी है, उसमें वजन भी है, राइट? तो इज इट अ मैटर? यस इट इज अ मैटर। 16th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश ईच अदर। अनलाइक पोल मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर। वेयर एज लाइक पोल्स डैश ईच अदर, तो जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट इज द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। वो सभी मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह, तो इसी के साथ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले वो एंड होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन सी की तरफ। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन सी। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है पहले वो बताना, और फिर विटामिन B1 और सी से के ना होने से जो बीमारी होती है वो लिखनी है। डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। हमारी डाइट में जो हम खाना खाते हैं, अगर उसमें कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो उसके ना होने से जो बीमारी होगी दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब ही यही है, कमी, कमी से होने वाली बीमारी। विटामिन B1 से होती है बेरी बेरी, और विटामिन सी से जो कमी होती है दैट इज कॉल्ड स्कर्वी। 18th क्वेश्चन है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन कॉलम 1। यहाँ पर कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए हैं, एंड मैच इट विद देयर प्रॉपर्टीज इन कॉलम 2। तो पहले इनको हमें सही तरीके से लिखना है, फिर हमें इनको अरेंज, इनको मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, TREMAT, तो ये बनेगा मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो ये वाला जो है ये इसके साथ मैच करेगा, लेकिन पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैटर। इसके साथ ये क्या है? USDELO, तो ये बनेगा मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर, दैट मीन्स ये बनेगा सॉल्युबल। यहाँ पर आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, यहाँ ट्रांसपेरेंट बनेगा और ये बनेगा लस्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? शाइनी सरफेस, लस्टर। तो पहले हम ये लिख लेते हैं फिर मैच करते हैं। इस तरह से लिखने के बाद अब हम इसको मैच कर लेते हैं। मैटर जो है इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। सॉल्युबल का मतलब है ये पानी में घुल जाता है, तो दिस मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर। ट्रांसपेरेंट जो है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, और लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। बढ़ते हैं आगे 19th क्वेश्चन, देखे क्या है। नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन मार्क ए। तो यहाँ पर आपको एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं इस वाले एरिया में, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन बी। यहाँ पर लिखना है आपको जो जमीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल। एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ द हैबिटेट्स इन पार्ट सी, और जो दोनों में रहते हैं दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस बोलते हैं हम उनको, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो है हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन एंड टॉर्टस। टॉर्टॉइज नहीं, टॉर्टस। तो पहले हम बात करते हैं एक्वेटिक की। यहाँ पर एक्वेटिक में कौन कौन से आएगा? तो एक तो है एक्वेटिक जो सिर्फ पानी में रहते हैं, वो है व्हेल, राइट, एंड डॉल्फिन। ये दोनों जो है ये सिर्फ पानी में रहते हैं, सो दे शुड कम हेयर। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल वाले हम यहाँ लिखेंगे। टेरेस्ट्रियल कौन से हो गए? जो जमीन पे रहते हैं, जैसे आपका ये हॉर्स हो गया, ये जमीन पे रहेगा। फ्रॉग और क्रोकोडाइल, स्क्विरल, ये जमीन पे रहेगी। अर्थवर्म, ये जमीन पर रहता है। और पिजन, ये चार जो है ये आपके यहाँ आ जाएंगे। और बाकी के जो तीन बचे, बाकी के तीन कौन से बचे? एक तो आपको फ्रॉग, एक क्रोकोडाइल और एक टॉर्टस।
ये तीनों जो है ये एम्फीबियंस होते हैं और ये तीनों यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन आप यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने कलर कोडेड इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ेंगे। 20th क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। हमें दो दो एग्जाम्पल देनी है, एक ऐसा जो लीनियर यानी कि सीधा चलता जाए मोशन, ऐसा दो सर्कुलर मोशन के और दो ही ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन की दो एग्जाम्पल्स हो गई, एक तो कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर कोई कार है सीधे रास्ते पे चल रही है लीनियर मोशन है। इसके अलावा एन एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर रेस में आप सीधा भाग रहे हो राइट, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सा है, एक फैन, फैन की जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करती रहती हैं। इसके अलावा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। इसके अलावा आप बता सकते हो कि जब आप मेले में घूमने जाते हो तो मैरी गो राउंड जो झूला गोल गोल घूमता है उसकी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ऑसिलेटरी मोशन वो है जो बार बार अपने आप को रिपीट करे, तो जैसे वो घड़ी होती है जिसके जो है घंटा घर जो है उसमें पेंडुलम जो होता है वो स्विंग होता रहता है टू एंड फ्रो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और इसके अलावा एक स्विंग जिसमें हम सीसॉ जिसको बोलते हैं, एक तरफ बच्चा बैठता है दूसरी तरफ बच्चा बैठता है, एक ऊपर जाएगा फिर दूसरा बच्चा नीचे जाएगा राइट, वो ऊपर नीचे जो झूला होता है दैट इज कॉल्ड स्विंग, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। सेक्शन डी की तरफ आते हैं हम, यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन डी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आप पहली बार ये सब समझ रहे हो देख रहे हो, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, सीसीटी का मतलब होता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर आपको सोचने पर मजबूर करने वाले ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आप जो है अपनी सोच अपनी समझ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग से उनके आंसर्स दोगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल ही ऐसा आ जाएगा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच के आंसर देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, नई टेक्स्ट बुक का, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीसीटी क्या होता है। जैसे है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। तो ये दो रिंग मैग्नेट्स हैं एक्स और वाई, इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव फर्दर। तो ये जो है एक्स ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ये यही हवा में लटका हुआ है। वट कुड बी द पॉसिबल रीजन, अब आप रीजन बताएंगे कि ये हवा में क्यों लटका हुआ है, तो आप सोचेंगे क्रिएटिव थिंकिंग से आप अपना जवाब देंगे। सेकेंड है, सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टेक्ट विद मैग्नेट वाई। अब अगर हम चाहते हैं कि एक्स जो है वो वाई से मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट, लेकिन हमें इनको धक्का देकर जबरदस्ती मिलाना नहीं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आप लिख सकते हो, द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर कॉजिंग रिपल्शन। मतलब एक्स और वाई दोनों के नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ साउथ पोल एक दूसरे की तरफ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सजेस्ट अवे, क्या वे हो सकता है कि या तो आप एक्स को उल्टा करके रख दो या आप वाई को उल्टा करके रखो ताकि नॉर्थ और साउथ पोल इन दोनों के आमने सामने हो जाए और वो अट्रैक्ट कर ले। तो ब्रिंग मैग्नेट एक्स इन कॉन्टेक्ट विद मैग्नेट वाई, क्या करना है, रिवर्स द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कि पोल किस तरफ है, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है तो उसको रिवर्स कर दो, साउथ पोल को नीचे ले आओ नॉर्थ पोल को ऊपर ले जाओ। मकसद सिर्फ इतना है कि एक्स और वाई के जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाने चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करके और एक दूसरे से जुड़ सके। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें और है क्या है, आप पहले इसको पढ़ना पड़ेगा और फिर इस पढ़ने के बाद हमें इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हमें आंसर्स देना पड़ेगा। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इन तीनों के आसान है करना, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, ब्लू ब्लैक कलर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें स्टार्च है, तो ये स्टार्च के लिए है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन देखना है तो आप क्या करेंगे, वी नीड टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और या पाउडर बनाना है, अगर वो सॉलिड है कुछ तो उसका पेस्ट या पाउडर बना ले। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड देन 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू एक, उसको पानी में घोल के एक पेस्ट बना लेना है। शेक द टेस्ट ट्यूब, अब यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब आप उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 ड्रॉप्स आप उसमें डालेंगे कॉस्टिक सोडा की।
शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। अगर उसमें वॉयलेट कलर आ जाता है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन मौजूद। फैट्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉर फैट्स टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और फिर आप देखोगे अगर वो पेपर जो है उस पर ऑयली पैच आ जाता है, वो टेन दिखने लग जाता है, इसका मतलब है कि उसमें फैट्स मौजूद है। अब ये जो जितना जो भी हमें पैसेज दिया गया था, इसके बेसिस पे हमें इन चार क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नाउ ए इज विच कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। प्रोटीन के लिए कौन सा कलर आता है, हमने अभी डिस्कस किया, ये रहा वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर आ जाता है तो उसका मतलब है उसमें प्रोटीन है। वी पुट ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ। हम आयोडीन सोल्यूशन कहाँ किस में डाल रहे थे, हम डाल रहे थे स्टार्च की टेस्ट करने के लिए, उसमें हम आयोडीन का सोल्यूशन उसमें डाल रहे थे। ऑयली पैच ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, अगर ऑयली पैच है तो वहां पर क्या हो सकता है, फैट्स। विल देयर बी एनी चेंज इन कलर आफ्टर पुटिंग आयोडीन सोल्यूशन ऑन रॉ पोटैटो स्लाइस। अगर हम कच्चे आलू के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा। हमें पता है अभी हमने डिस्कस किया था कि पोटैटो जो है वो एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, और अगर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की हम जब टेस्ट करते हैं आयोडीन डालते हैं तो अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज यू नो हैविंग सम स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। जब आप आलू के ऊपर जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो भी ब्लू ब्लैक। तो इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, ये भी सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट होगी। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक अंकल है जो बाइसिकल का जो टायर है उसका पंक्चर निकाल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैन डूइंग, तो ही इज रिपेयरिंग द टायर, वो पंक्चर निकाल रहे हैं। फ्रॉम वेयर डज ही द एयर लीक आउट, कहाँ से निकल रही है हवा, हवा निकल रही है ट्यूब में से। वॉट इज इन द वेसल अंडर द ट्यूब, ये ट्यूब के नीचे जो वेसल है इसके अंदर अंकल ने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर पानी मौजूद है। हाउ विल ही फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एयर लीक, ये कैसे पता लगाएंगे वो कि हवा जो है वो कहाँ से निकल रही है। तो वो क्या करेंगे, वो पूरे जो आपका टायर है जो ट्यूब है उसको हर जगह से पानी में डुबोएंगे, जहाँ पर भी कट लगा होगा वहाँ से हवा निकल रही होगी, और जब वो पानी के अंदर हवा निकलेगी तो वहां से बबल्स निकलेंगे, इससे पता लग जाता है कि जो टायर है या ट्यूब है वो कहाँ से फटा हुआ। तो इनके आंसर है द मैन इज चेकिंग फॉर द पंक्चर इन द ट्यूब, द एयर लीक्स फ्रॉम द पंक्चर इन द ट्यूब, व्हाट इज अंडर ट्यूब इन द वेसल कंटेन्स वाटर टू चेक फॉर बबल्स विच इंडिकेट एयर लीकेज, और हाउ विल ही फाइंड आउट एग्जैक्ट जगह, ही विल इमर्स द ट्यूब इन वाटर, वो डुबो देगा ट्यूब को पानी में, एंड वॉच फॉर एयर बबल्स टू फाइंड आउट फाइंड द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ लीक। इसी के साथ और क्वेश्चन है, या तो आप ये वाला करेंगे या फिर और क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, इन प्रॉपर्टीज को देखकर आपको बताना है ये प्रॉपर्टीज किसकी हो सकती है। आइडेंटिफाई, तो जैसे फर्स्ट क्या है, आई हैव लस्टर, मैं चमकीला हूँ, तो वो क्या हो सकता है, मेटल। आई कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, मुझे आसानी से जो है कंप्रेस किया जा सकता है, मेरा वॉल्यूम कम किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, वो होता है गैस के साथ, गैस को जो है आप इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। आई एम हार्ड एंड सॉलेबल इन वाटर, मैं हार्ड हूँ लेकिन मैं पानी में घुल जाता हूँ, तो वो क्या है, दैट इज सॉल्ट, नमक। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप मेरे आर पार जो है आसानी से नहीं देख सकते हो, तो वो होगा आपका ओपी कॉब। और लास्ट है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरे पास मास भी है वॉल्यूम भी है लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते हो, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ हवा, एयर। इस तरह से आप इसमें क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन है, हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, नेम द गिवन सीड्स, आपको इन सीड्स के नाम बताने। तो जैसे ये है, ये वीट है, तो यहाँ पर आपको वीट लिखना है, और ये राजमा है किडनी बीन्स, तो यहाँ पर आप किडनी बीन्स लिख लेंगे। विच ऑफ दीज इज अ मोनोकॉट, इनमें से कौन सा जो है वो मोनोकॉट है, तो जो वीट है वो मोनोकॉट होता है। वट टाइप ऑफ रूट्स विल द सेकेंड सीड है, सेकेंड सीड कौन सी है ये, तो ये डाइकॉट है, डाइकॉट जो होते हैं उनकी रूट्स हमेशा टैप रूट्स होती है, और उनका विनेशन जो है वो रेटिफ्लेट विनेशन होता है। वट टाइप ऑफ लीफ विनेशन विल फर्स्ट सीड है, फर्स्ट सीड क्या है, वीट जो कि एक मोनोकॉट है,
और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होती हैं और इनका लीफ विनेशन जो है वो हमेशा पैरेलल होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं वीट किडनी बीन्स, मोनोकॉट कौन सा है, वीट, टैप रूट्स होंगी सेकेंड वाले की और पैरेलल विनेशन होगा फर्स्ट वाले में। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन क्या है। सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम ऑफ वन ऑफ टेबल, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम टू। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये क्या चीज़ है और इसको किसके साथ मेजर करेंगे, किस यूनिट के साथ मेजर करेंगे वो हमें यहाँ पे लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली, तो ये हम मेजर करेंगे किलोमीटर में। थिकनेस ऑफ अ कॉइन बहुत छोटा होता है ये, तो इसको हम मेजर करेंगे मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ इरेजर ये मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो वी कैन मेजर दिस इन सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द ग्राउंड दिस शुड बी मीटर, मीटर मेजर इन मीटर्स। आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये सी बी क्यू या एस बी क्यू की बेस पे होते हैं। सी बी क्यू क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एस बी क्यू होता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये 5-5 मार्क्स के आएंगे आपको। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल 25th है, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट अ प्लास्टर। डॉक्टर ने हड्डियों को ठीक करके और उस पर प्लास्टर लगा दिया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टेबलेट्स, डॉक्टर ने उसको खाने के लिए कैल्शियम की टेबलेट्स दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, विटामिन डी की सिरप भी मिला उसको अलॉन्ग विथ कैल्शियम टेबलेट्स। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव। इसका आंसर होगा द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू हेल्प स्ट्रेंथन बोन्स एज कैल्शियम इज असेंशियल फॉर बोन रिपेयर। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है, इसलिए इसको दिया गया था। आगे ऑन सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट। अब कैल्शियम खा तो लिया लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो बोन्स को फायदा नहीं मिलेगा, तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम मोर इफेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन द गिविंग मेडिसिन। तो ऐसे कौन से सवाल है जो आपके दिमाग में आए जब डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी, तो क्या ऐसा सवाल था जो आपके दिमाग में आया, वो डिपेंड करता है आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये सवाल आया कि वाई आर बोथ कैल्शियम एंड विटामिन डी नीडेड टुगेदर फॉर बोन हीलिंग, हड्डियों को ठीक करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ क्यों दिए गए। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, इसी के साथ और में है क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, कम रोशनी में रेशमा को दिखाई नहीं देता। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। तो डॉक्टर ने उसकी आईज को टेस्ट किया और उसको एक विटामिन सप्लीमेंट दिया हो कि ये वाला विटामिन आपको खाना है। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और उसको कुछ चीजें खाने के लिए भी उन्होंने कहा। विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग सॉरी सफरिंग फ्रॉम, ऐसी कौन सी बीमारी थी जो जिससे वो ग्रसित थी, जो प्रॉब्लम उसको थी, वो उस बीमारी का नाम क्या है। तो रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। विच फूड कॉम्पोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट, कौन सी चीज है जो वो लैक कर रही है, नहीं खा रही है, हो सकता है वो विटामिन ए। सेकेंड है हर डाइट लैक्स विटामिन ए। थर्ड इज सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कोई भी चार चीजें ऐसी बताओ जो वो खाए जिससे कि ये प्रॉब्लम उसकी दूर। तो ऐसी चार चीजें जो हो सकती हैं वो हो सकता है कैरेट, स्पिनच, स्वीट पोटैटोज और फिश ऑयल। ये सभी चीजें विटामिन ए में काफ़ी रिच होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। ये भी एक सी बी क्यू क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन पेपर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और देर आर मैनी मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, उनको ओपेक बोलते हैं, जैसे कि वुड, कार्डबोर्ड, मेटल एक्सेट्रा। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर ट्रांसलूसेंट, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है या बटर पेपर होता है, उससे आप देख सकते हो लेकिन पूरी तरह नहीं। अब यहाँ पर पिक्चर में आपको 4-5 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गोलन ए है,
जो कि ये दीवार के पीछे यहाँ छुपा हुआ है। यहाँ पे चीता जो है ये बी है, यहाँ पर है। तारा सी, ये ग्लास फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे है, और सीता का जो ब्रदर है वो यहाँ पर है ऑलरेडी। अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, नेचर ऑफ द मटेरियल। गोलन जो है ये किसके पीछे छिपा हुआ है, तो ये पीछे दीवार के, तो ये क्या होगा, ओपेक। तो आप यहाँ पर लिखोगे ओपेक। सीता जो है वो भी ओपेक। सारा जो है ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो ये ट्रांसलूसेंट। और सीता का भाई जो है वो ग्लास के पीछे है, तो ये ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। 60 मार्क्स का पेपर ओवर हुआ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको पता करनी हो। बाकी मेरे लिए, मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, कोई प्रॉब्लम हो तनाव कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।